सब्सक्राइब कीजिए परमार होममेड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल और ब्रेड के पकोड़े, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि हमारे वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और मूंग दाल और ब्रेड के पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम करीब एक कप बेसन लेंगे और अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। और एक चम्मच ऑयल भी डालेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। और मिक्सचर बनाने में हमने करीब आधा कप पानी यूज़ किया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसे हमें इतना ही लाइट रखना है, बहुत थिक नहीं रखना है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल ही लम्स ना बने, ऐसे हमें अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लेना है। और ये हमारा मिक्सचर तो तैयार हो गया है, अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्रेड्स लिए हैं, ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं, और इसे अब हम ट्राइंगुलर शेप में यानी कि त्रिकोणाकार में काट लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्राइंगुलर शेप में काट लिया है ब्रेड को। और ऐसे ही हम सभी ब्रेड स्लाइस को ट्राइंगुलर शेप में काट लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्रेड्स को ट्राइंगुलर शेप में काट लिया है। और अब हम इसके ऊपर जो हम फिलअप लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं मूंग दाल का, आप देख सकते हैं। और इस मूंग दाल की रेसिपी आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं और इसकी रेसिपी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। और ऊपर आई बटन पर से भी आप क्लिक करके मूंग दाल कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम ये मूंग दाल लगाएंगे। एक स्लाइड पर लगाएंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मूंग दाल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी अनियन प्याज को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी प्याज डालेंगे इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर चीज है वो स्प्रिंकल करेंगे, ऐसे चीज को हम छीन लेंगे इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और हल्का सा दबा लेंगे इसे। और अब हम इसे जो हमने बेसन का सिरप बना लिया था उसमें डालकर सीधा ही फ्राई कर लेंगे। और ये सेम प्रोसेस हम सभी ब्रेड्स के साथ करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी ब्रेड स्लाइसिस में पकौड़े तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं सभी को हमने फिलअप कर लिया है। और अब हम सभी ब्रेड स्लाइसिस को फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल लिया हुआ है और आप देख सकते हैं तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। और अब हम इस ब्रेड स्लाइस को बेसन का जो हमने सिरप बनाया है उसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। और इसको चारों तरफ हम जो बेसन का सिरप बनाया है वो अच्छे से फैला लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी तरफ से अच्छे से कवर कर लिया है और इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। हल्के हाथों से रखेंगे और सैंडविच को हम दोनों तरफ से सुनहरा होने तक, गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पकौड़ा है वो अच्छे से फ्राई हो गया है और गोल्डन कलर का भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसे अब हम बाहर निकालेंगे डिश में। और आप देख सकते हैं ये हमारा पकौड़ा तैयार हो गया है। और ऐसे ही हम सभी ब्रेड स्लाइसिस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे
और फाइनली फ्रेंड्स ये हमारी रेसिपी मूंग दाल के चीज़ पकौड़े तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी है। और आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी रेसिपी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे कि हमारे वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस रेसिपी की कंप्लीट प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।